हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मार्केट एनालिसिस, आने वाले वीक में क्या निफ्टी के लेवल्स हमें देखने चाहिए और कौन से स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। एक बैड न्यूज़ है और दो गुड न्यूज़ है। एक बैड न्यूज़ ये है कि जो मैं आपको डेली मार्केट अपडेट वीडियो देता था वो अब से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं कुछ और काम में बिजी हूँ तो मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके वजह से जो डेली मैं आपको मार्केट अपडेट वीडियो देता था इंट्राडे ट्रेड के साथ में, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको एवरी संडे टू संडे एक वीडियो मिलेगा जिसमें निफ्टी का अपकमिंग वीक के लेवल्स होंगे, प्लस 5 स्टॉक्स होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आपको आने वाले वीक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो एवरी संडे टू संडे आपको वीडियो मिलेगा वीकली एनालिसिस का, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी, और 5 स्टॉक्स का पोजिशनल व्यू भी। एंड सेकंड गुड न्यूज़ ये है, ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, इसमें आपको डेली लाइव मार्केट में मॉर्निंग में कुछ कैश मार्केट इंट्राडे ट्रेड्स मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस बाइंग कॉल्स भी मिलेंगे। जैसे मुझे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से दिखा तो आपको कुछ ऑप्शंस बाइंग कॉल्स भी मिलेंगे। सो आपको लाइव मार्केट ट्रेड्स मिलेंगे, यानी सुबह 9:30-10 बजे के आसपास 2 से 3 कॉल इंट्राडे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि कैश मार्केट के लेवल्स होंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लेवल्स नहीं होंगे, कैश मार्केट के लेवल्स होंगे। तो आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना है। सो आपको लाइव ट्रेड्स मिलेंगे, प्लस एवरी संडे टू संडे आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस का पूरा वीकली एनालिसिस मिलेगा, प्लस 5 स्टॉक्स का पोजिशनल व्यू भी मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आने वाले वीक में क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी में क्या व्यू होना चाहिए, और ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिसमें हमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान देना है। निफ्टी का आप डेली चार्ट देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, अभी भी ये स्ट्रांग अप ट्रेंड में ही है। ये आवरली चार्ट है और ये 9 EMA 21 EMA का क्रॉस ओवर है। अगर आपको याद है मैंने ऑलरेडी सिखाया ये क्रॉस ओवर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये 12,900 के ऊपर निकलता है तो वापस ये क्रॉस ओवर बाय दे देगा और ये जो हाई है वो हाई टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो आने वाले वीक में मुझे लगता है यहाँ से 13,000 प्लस तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 12,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है तो 13,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 13,200 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 12,820 के अराउंड। सो 70-80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, 300 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। 12,820-12,830 का आप स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हो। अगर 12,900 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी तो यहाँ से 13,200 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो क्लियरली 9 and 21 EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 30,500 and 31,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 28,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाइंग कर सकते हो 30,500 and 31,000 तक के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। सो दोनों इंडेक्स बुलिश लग रहे हैं मुझे और यहाँ से मुझे लगता है और अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज हुआ है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। सो यहाँ से मुझे लगता है 31,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक होगा टाइटन। टाइटन का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ से 1450-1500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से 100 से 150 रुपए की रैली हमें देखने को मिल सकती है टाइटन में। वो इसलिए मिल सकती है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप समझो पहले, यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया था, डबल टॉप बना के ये गिरा था, अब ये डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब मुझे लगता है यहाँ से अगर ये कोई भी डिप मिलता है 1350-1360 के अराउंड तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। 20-30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है 1320 के अराउंड और 1450-1500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो टाइटन पे जरूर ध्यान देना, टाइटन मुझे बुलिश लग रहा है 1450 तक के टारगेट के लिए आने वाले वीक में। नेक्स्ट स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है और एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से जुबिलेंट फूड में 2750 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से 130 पॉइंट्स की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। कोई भी डिप मिलता है अगर 2600 के आसपास तो काफी अच्छा बाय रहेगा। 40-50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है इसमें और 2750 तक के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। सो जुबिलेंट फूड काफी अच्छा बाय रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं M&M। M&M का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसमें एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, एक बड़ा मूवमेंट दिया, कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकलेगा एक ऊपर की तरफ एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है और इसमें मुझे लगता है 900 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं।
सो 150 से 200 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है एमएनएम में। काफी अच्छा बाय रहेगा और काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका, और अभी भी आप देख मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रेंथ है ये स्टॉक में और मुझे लगता है यहाँ से 900 तक के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो ये स्टॉक को भी आपको रेडार पे रखना है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा मुझे लगता है यहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। सो एमएनएम भी काफी अच्छा बाय रहेगा, इसका भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक होगा रिलायंस शॉर्ट। रिलायंस में मुझे स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लेवल सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, लगातार हमें इसमें सप्लाई देखने को मिल रही है। और अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो 1840 के अराउंड आता है। यहाँ पर 1840 के अराउंड अगर ये संभल गया तो यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज इसमें एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1840 के बाद नीचे कोई इमीडिएटली सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो 1600 के अराउंड आता है, 1600 के अराउंड। सो अगर 1840 का लेवल भी टूटता है इसमें तो 1600 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। सो रिलायंस में आपका ध्यान शॉर्ट की तरफ ही होना चाहिए, इसको लॉन्ग बिल्कुल भी मत करना। 1840 अगर टूटता है, 1840 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो 1600 तक के टारगेट के लिए आप रिलायंस को शॉर्ट कर सकते हो। सो रिलायंस में आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट स्टॉक होगा हीरो मोटो। हीरो मोटो का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने ये सीएनबीसी आवाज पे सेल दिया था 3120 के आसपास, और मैंने टारगेट दिया था 2750 का, 2750 का। मुझे लगता है 2750 ये आ सकता है, यहाँ तक ये जो लेवल है यहाँ तक ये आ सकता है। सो 2750 2800 तक के लेवल के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है और आप देख सकते मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर आप डेली चार्ट देखो तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। ये हीरो मोटो का डेली चार्ट है और आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब टॉप पे बनता है तो उसके टारगेट कैसे आते हैं, ध्यान से देखना वीडियो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। ये जो हेड है यहां से लेके ये जो ब्रेकडाउन लेवल है यहां तक करीबन 12-13% का फॉल आया है, और अगर ये यहां से ब्रेकडाउन देता है 2950 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहां से 12-13% का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टारगेट आता है एज पर हेड एंड शोल्डर, ये एक्चुअली टारगेट आता है हीरो मोटो में। तो 2600 तक भी आ सकता है ये स्टॉक, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं लगता, ऑब्वियसली ये धीरे धीरे आएगा, एक दो महीने में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। बट इसमें ध्यान आपका शॉर्ट की तरफ होना चाहिए, मेरा इमीडिएट जो टारगेट है वो 2750-2800 तक का है। अगर वो लेवल भी टूटते हैं तो ये टारगेट अचीव होने के चांसेस ज्यादा होंगे 2600 तक का। सो हीरो मोटो में भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, इसमें आपको अराउंड 3120 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रीवियस स्विंग हाई था। सो 3120 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन रखे आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो 2750 एंड 2600 तक के टारगेट के लिए। सो ये वीक के लिए जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे, जो मैंने लेवल सिलेक्ट किए थे, जो मैंने एनालिसिस किया, वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी व्यू मैंने बता दिया है। अगर इनमें कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक रिलेटेड कुछ भी चेंजेस होगा लेवल्स में, या निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ भी व्यू में चेंज होगा या लेवल्स में चेंज होगा, तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।